हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 77, जिसके अंदर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर पर बताया था कि आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उस पर आधारित मैं अगले लेक्चर पर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों। यानी कल मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई थी, सबसे पहले डेंसिटी पढ़ाई थी, फिर उसके बाद में प्रेशर पढ़ाया था, ठीक है ना। किसी भी स्थिर द्रव्य में गहराई के साथ में दाब किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में किसी भी त्वरित द्रव्य में घूर्णन गति करते हुए द्रव्य में प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस की थी भाई। चलो आज अपन आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बेरोमीटर को ऊर्ध्वाधर के साथ में थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो एच डैश का मान कितना हो जाएगा। अभी ये आपके पास एच डैश हो जाएगा। बात सुनना भी, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये आपके पास बेरोमीटर है, यहाँ पर क्या है भी? आपने वैक्यूम क्रिएट करके निर्वात है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अभी निर्वात हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप क्या करते हो भी, इसको लिक्विड के अंदर डुबोते हो, यानी पारे के अंदर डुबोते हो, मरकरी है ये। बेरोमीटर में ये क्या काम में लिया जाता है भाई? मरकरी, ये पारा है। तो डुबोते ये कितनी हाइट गेन कर लेता है भाई? एच गेन कर लेता है। तो इसकी भी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? आपके पास एच ही हो जाएगी। ये अगर आपके पास एच है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? आपके पास एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस पॉइंट पर और आपको इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो बराबर करना है। और आपको पता है कि प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है भी? वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है भाई? एच है। तो इसकी भी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? एच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आपके पास एच डैश हो गया। तो एच डैश का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एच डैश कॉस थीटा। तो एच डैश कॉस थीटा, ठीक है ना। और एच डैश कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास एच हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है एच डैश बराबर क्या बन जाएगा? आपके पास एच अपॉन ये आपके पास है कॉस थीटा हो गया। अब एच तो आपके पास है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच डैश है ये एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा? आपके पास है कॉस थीटा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच वन अपॉन एच टू बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास है कॉस थीटा टू अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा वन। ये बात हो गई, यानी थीटा वन और थीटा टू एंगल के लिए ऊंचाई अगर आपके पास एच वन और एच टू है, तो एच वन एच टू थीटा वन थीटा टू के बीच में रिलेशन अपन यहां से ऐसे बता सकते हैं भाई, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। यदि वी वन बराबर वी टू तो रो मिक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2.5। यानी आपके पास दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का बराबर वॉल्यूम अगर आपने कंसिडर किया है तो इस स्थिति में मिक्सर की जो डेंसिटी है वो कितना हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। और यदि दोनों का बराबर द्रव्यमान आपने काम में लिया है तो इस स्थिति में मिक्सर की डेंसिटी कितना देगी? आपके पास है 2.4 हो जाएगी। तो आपको रो वन और रो टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये आपको पूछ रखा अभी। तो सबसे पहले अगर वी वन बराबर वी टू है तो इस स्थिति में अपन जान देंगे रो मिक्स। तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास वी टू, तो रो मिक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बताओ? रो वन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? रो टू बटे दो। और यदि आपके पास M1 बराबर क्या हो जाएगा? M2। तो इस स्थिति में आपके पास रो मिक्स बराबर क्या देगा? आपके पास टू रो वन रो टू बटे क्या देगा? आपके पास रो वन प्लस रो टू। तो सबसे पहले रो मिक्स बराबर कितना देगा? 2.5 बराबर रो वन प्लस रो टू बटे कितना देगा? आपके पास दो देगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि रो वन प्लस रो टू बराबर कितना देगा? इंटू दो कर देंगे तो ये आपके पास है 5 बन गया। और दूसरे केस में रोमिक्स बराबर कितना देगा आपको? 2.4 बराबर 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। अब बात सुना भी, रो वन प्लस रो टू है, इसकी वैल्यू यहाँ से मैं 5 निकाल चुका हूँ तो मैं लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। तो यहाँ से आपके पास रो वन इंटू रो टू बराबर कितना देगा? आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपके पास है दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी रो वन और रो टू है, दोनों की डेंसिटी को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 5, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 6। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि एक डेंसिटी तो कितनी आपके पास है? 2 है, और एक कितनी आपके पास है? 3 है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि सॉल्व करने पर रो वन बराबर कितना देगा आपके पास है? 2, और रो टू बराबर कितना देगा आपके पास है? 3। क्या देगा आपके पास है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भी। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5।
और दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है, 6 देगा अभी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, किसी झील की आधी गहराई पर जो दाब हो पेंदे का 3/5 गुणा है, तो झील की गहराई पर, झील की गहराई है वो कितनी हो जाएगी भैया, आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बात सुनना भी, जैसे मान के इसलिए अपने पास में कोई भी झील है, ये कोई भी झील है और ये पानी की सतह हो जाएगी, ये इसकी आधी गहराई हो जाएगी, आधी गहराई होगी इसकी, तो यहां पर जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, पी नॉट। यहां पर जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास है, रो जी एच बाई टू। और यहां पर प्रेशर कितना देगा आपके पास है, पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास है, रो जी एच। यहां पर आपके पास है जो एच है वो क्या हो जाएगी, झील की गहराई हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो आधी गहराई पर जो प्रेशर है वो पेन देगा कितना देगा, 3/5 गुना देगा, तो आधी गहराई पर प्रेशर कितना देगा आपके पास है, पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास है, रो जी एच बाई टू, ठीक है ना। बराबर क्या देगा, पेंदे पे कितना देगा आपके पास है, पी नॉट प्लस रो जी एच, इसका कितना गुना हो जाएगा आपके पास है, 3/5 गुना। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा आपके पास है, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 वी नॉट और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, 5 रो जी एच बाई टू। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, 3 पी नॉट और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, 3 रो जी एच। अब इसके बाद इसको अपन इधर की तरफ ले आएंगे, इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, तो 5 पी नॉट माइनस 3 पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट बराबर, ये 5 बाई टू अगर उधर की तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, रो जी एच बाई टू, तो रो जी एच बाई टू हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ध्यान से देखना, देखो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर 4 पी नॉट अपॉन रो जी, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 पी नॉट अपॉन रो इंटू जी। अब यहां पर आपके पास है 4, पी नॉट कितना होता है अभी, लगभग 10^5 होता है, रो कितना होता है आपके पास है, 10^3 पानी का, और जी कितना होता है आपके पास है, 10 होता है, और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो लगभग कितना देगा आपके पास है, 40 मीटर। यानी बेटा जो झील की जो गहराई है वो आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, लगभग 40 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, तो इन तीनों को करें नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में तीन और क्वेश्चन अपन देखते हैं, तीनों क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल का आपको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। आपको पता है कि अपेक्षित घनत्व क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब एक तो यहाँ पे अपने को पानी दे रखा है, एक अपने को ऑयल दे रखा है, तेल दे रखा है। कोई भी आपके पास है इस प्रकार से यू आकृति की नली का है जिसके अंदर पानी भर रखा, आपने इधर की तरफ तेल भर रखा है, पानी के कोलम और तेल के कोलम, यानी दोनों के स्तंभों की लंबाइयां आपको यहाँ पर आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, देखो देखिएगा, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने को कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एक क्षैतिज रेखा बनानी है जो एक ही लिक्विड को दो जगह पर काटे, यानी एक ही लिक्विड को काटती हुई अपने को लाइन बनानी है भाई। तो कौन सी लाइन अपन बना सकते हैं, ध्यान से इस प्रकार से ये वाली लाइन अपन ने बना दी, ये अपन ने लाइन बना दी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इधर भी किसको टच कर रही है भाई, वाटर को, और इधर भी किसको टच कर रही है, वाटर को टच कर रही है। तो इस क्षैतिज रेखा पर दोनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर है वो आपको बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे तो आपके पास में पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर एक बोलेंगे इसको अपन, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट नंबर एक, और यहाँ पर एक आपके पास है, ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या देगा आपके पास है, पॉइंट नंबर दो। तो यहाँ पर P1 और P2 आपको क्या करना है, अभी बराबर करना है। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब देखना ना से देखो, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो यहाँ पे P1 पे कितना हो जाएगा आपके पास है, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो P1 बराबर कितना देगा आपके पास है, पी नॉट प्लस रो, रो किसका बताओ, वाटर का, क्योंकि इधर की तरफ पानी है, रो जी
एच, एच की बात करते हैं, ये कितना देगा आपके पास है 15, ये पूरा 40 है, 40 में से 15 को माइनस कर दो तो ये कितना देगा आपके पास है 2500 देगा। तो रो जी एच कितना देगा आपके पास है 25, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास है पी1 हो गया बराबर। अब अपन बात करते हैं P2 की बात करते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना देगा P0 देगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है। यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना देगा आपके पास है P0 प्लस रो जी एच, तो इसको अपन बोलेंगे P0 प्लस रो किसका बताओ ऑयल का जी, और एच ये वाला एच कितना देगा आपके पास है 15 देगा, कितना देगा 15। अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन P0 से अपन क्या कर सकते हैं P0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी से अपन क्या करेंगे जी को कैंसिल आउट कर देंगे, कि 5 हो गया ये आपके पास है 3 हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं 5 रो वाटर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 3 रो ऑयल। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल बराबर ये आपके पास है देखिए डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर, तो ऑयल अपन वाटर कर देंगे तो आपके पास से कितना हो जाएगा 5/3, तो ये आपके पास है 5/3 आ गया अभी। तो यहाँ पर जो तेल है इसका अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 5/3 का मतलब ये हुआ कि ये जो तेल है ये पानी की तुलना में 5/3 गुना ज़्यादा डेंस है, 5/3 गुना ज़्यादा भारी है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये अपने पास इस प्रकार से यू आकृति की कोई भी नली है, इसका एक सिरा खुला है, एक सिरा इसका बंद है, और इस बंद सिरे के अंदर कुछ एयर भरी हुई है, कुछ हवा भरी हुई है, इसको अपन बोल सकते हैं ट्रैप्ड एयर। तो ट्रैप्ड एयर का प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो ये आपके पास है 40 सेंटीमीटर है, इसकी डेंसिटी रो है, ये 20 सेंटीमीटर, और इधर की तरफ ये कितना आपके पास है 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास है डेंसिटी कितना देगी इसकी 2 रो जाएगी, तो इसका आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है ना। तो कैसे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, आपको कोई एक क्षैतिज रेखा बनानी है जो एक ही लिक्विड को दो जगह पे काटे, ठीक है ना, कि एक ही द्रव से गुजरने वाली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये लाइन बना देता हूँ, देखो ध्यान से, ये बना दी मैंने, ये मैंने इस प्रकार से यू बना दी। तो यहाँ पे ये इसको भी किसको टच कर रही है, 2 रो को टच कर रही है, और यहाँ पर ये इसको भी किसको टच कर रही है, 2 रो को टच कर रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखो अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये कोई एक पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, इसी प्रकार से ये आपके पास है पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये आपके पास है पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे जो 1 पे प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है P0, तो 1 पे प्रेशर P1 बराबर कितना देगा आपके पास है P0। इसके बाद में 2 पे जो प्रेशर है P2 बराबर ये आपके पास है कितना देगा P0, और इसके बाद में प्लस नीचे लिख देते हैं यार, यहाँ पे जगह नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पे 1 पे प्रेशर कितना देगा P1, और P1 बराबर कितना देगा आपके पास में P0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में। अब 2 पे प्रेशर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है P2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में P0 प्लस इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी देर की आपको रो, तो रो जी एच लगा देंगे, तो रो जी एच बराबर कितना देगा आपके पास में तो 40, ठीक है ना, ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ दे रही है, तो P2 आ गया। अब इसके बाद में P3 बात करते हैं, ये आपके पास है जो एयर है मान के इसलिए इसका प्रेशर कितना देगा आपके पास है P हो जाएगा, कितना देगा P, तो अपन बात कर सकते हैं कि P3 बराबर कितना देगा आपके पास है P एयर बोल दो, P एयर मान लो इसको, P एयर हो गया। तो इसी प्रकार से आपके पास है जो P4 है, तो P4 बराबर कितना हो जाएगा इस पॉइंट नंबर 4 पे प्रेशर, तो ये आपके पास हो जाएगा P एयर, और प्लस क्या देगा आपके पास हो रो जी एच, इसकी डेंसिटी कितना देगी आपके पास हो 2 रो, ठीक है ना, इनटू कितना देगा आपके पास है जी, और एच बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर 2 और 4 दोनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ P2 बराबर क्या देगा आपके पास है P4, तो P2 कितना देगा आपके पास है P0 प्लस क्या देगा आपके पास है 40 रोजी, और इसी प्रकार से या 40 है तो इसको लिख दो 0.40 लिख दो, 0.4 लिख दो, ठीक है ना,
और 0.40 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी 2/5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/5, और ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/10 भी लिख सकते हैं, मीटर में अगर अपन लिखना चाहें तो अपनी मर्जी है। तो P नॉट प्लस कितना देगा आपके पास होता है 2/5, रो जी बराबर P4 बराबर कितना देगा आपके पास है P एयर प्लस क्या देगा आपके पास बताओ रो जी बटे क्या देगा आपके पास है 5 हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन डायरेक्टली P एयर निकालते हैं तो P एयर बराबर कितना देगा आपके पास है P नॉट, और इसके बाद में ये भी कितना देगा आपके पास है 2/5, और ये कितना देगा 1/5, तो प्लस क्या देगा आपके पास है रो जी 5, ये आपके पास है हवा का दाब आ जाएगा, अभी P एयर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से, देखो भाई ये आपके पास है कोई भी यू शेप की कोई भी नलिका है, इसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर गए, इसका जो आधार है इसकी लंबाई कितना देगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इधर की तरफ आप इसको a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड इस करके त्वरण से त्वरित करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो तो कम हो जाएगी, इसके अंदर लिक्विड की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको h का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अपन यहाँ पे इसको अपन इससे इस प्रकार से यू मिला देंगे, इसको अपन बोलेंगे थीटा। अपन जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास लंब बटा आधार, और टेन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास ए बटा जी भी होता है, ये मैंने आपको बता रखा अभी। टेन थीटा बराबर कितना होता है ए बटा जी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। अब लंब तो कितना देगा आपके पास एच, आधार कितना देगा आपके पास में 20, ए कितना देगा आपके पास में 5, और जी कितना होता है आपके पास में 10। तो यहाँ से आपके पास एच बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी भी। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ होगी भी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करिएगा इसको नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चलिए बच्चों इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखिएगा आप। देखो यहाँ पे क्या करें है, यहाँ पर आपके पास एल आकृति की कोई भी एक नलिका है, इसकी जो वर्टिकल भुजा है उसकी लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल वाले की कितनी भी 8 सेंटीमीटर है। अब यदि अपन इसके अंदर इस प्रकार से यू पानी भर दिया तो ऑब्वियसली पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बट आपको बोला जा रहा है कि एक का मान ज्ञात करो ताकि द्रव्य बाहर नहीं निकले। अपन क्या करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ त्वरण देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ऐसा होता है कि इससे पानी है वो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पानी बाहर निकलता क्यों है ये अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रेशर कितना आपके पास है पी नॉट है, और यहाँ पे प्रेशर कितना होता है आपके पास है पी नॉट प्लस रो जी एच है, और यहाँ पर प्रेशर कितना होता है आपके पास है पी नॉट होता है। तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा है तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाता है अभी, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी भी तरीके से इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर कर देता हूँ तो इस स्थिति में यहाँ से इससे लिक्विड निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले इसको अपन बनाते हैं पॉइंट नंबर 1, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 पे प्रेशर कितना देगा P1 बराबर पी नॉट, 2 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास है P2 बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, तो रो कितना देगा रो का तो रो जी, जी कितना होता है आपके पास में 10 या जी ले लो एच, एच की बात करते हैं तो कितना देगा आपके पास है 6। इसी प्रकार से P3 बराबर कितना देगा 3 पे प्रेशर, ये भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है तो पी नॉट हो जाएगा, और 3 से अगर मैं 2 पे आता हूँ तो यहाँ से आपके पास है P2 बराबर कितना देगा आपके पास है पी नॉट प्लस रो ए एक्स, ये एक्स हो गया तो रो ए एक्स, एक्स कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा। अब यहाँ से P2 और यहाँ से P2 दोनों आपने जो कैलकुलेट किया वो आपको बराबर करने हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P2 बराबर P2 कर देता हूँ,
मतलब इन दोनों प्रेशर्स को यहां से क्या कर देता हूं मैं, बराबर कर देता हूं। तो P2 बराबर कितना देगा आपके पास में, P0 प्लस कितना देगा आपके पास में 6 rho g बराबर P0 प्लस 8 rho a। P0 से P0 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से अपन rho से अपन rho को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3g बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 4a। तो यहां से आपके पास a बराबर कितना देगा 3g बटे 4। अब ये भी आपके पास एक तरीका है, एक तरीका ये भी हो सकता है आप इसको डायरेक्टली इससे यू मिला दें, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 6, आधार कितना देगा आपके पास 8, और टेन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास ए बटा जी। तो यहाँ से ए बराबर सीधा कितना देगा आपके पास है 3g बाई 4। तो ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है, बात एक ही अभी। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, देखो भाई ये आपके पास है, h का मान आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपके पास यू शेप की कोई भी एक ट्यूब है जिसके अंदर आपने रो डेंसिटी का कोई भी लिक्विड वर्क है, और इसकी जो बेस है इसका जो आधार है वो कितना एल है। एक भुजा के सापेक्ष, अगर आप एक भुजा के सापेक्ष जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसके सापेक्ष यदि आप इसको घुमाते हैं, तो इधर की तरफ तो लिक्विड है वो उसका लेवल नीचे और इधर की तरफ लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास एच है। तो यहाँ पे बेटा आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं अपन कि सबसे पहली बात है कि पॉइंट्स बनाते हैं। यहां पर आपके पास में पॉइंट नंबर हो जाएगा आपके पास एक, ये आपके पास में पॉइंट नंबर हो जाएगा आपके पास दो, और ये आपके पास में पॉइंट नंबर हो जाएगा इस प्रकार से तीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले वन पे प्रेशर कितना देगा P1 बराबर, ऑब्वियसली P0 वायुमंडलीय दाब के बराबर। टू पे प्रेशर की बात करते हैं, सुनो, वन से अपन कहां पे जाते हैं, थ्री पे जाते हैं, तो वन से सीधा थ्री पे। यहां पे प्रेशर कितना है भी P0, तो यहां पे प्रेशर कितना देगा आपके पास है P0 प्लस, रोटेशन की वजह से प्रेशर उसमें कितना चेंज आता है याद होगा आपको, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे दो, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास में दो देगा, ये P3 आ गया अभी। यदि वन से कहां पे जा रहा हूं मैं, सीधा थ्री पे जा रहा हूं भाई। अब मैं बात करता हूं किसकी भी, टू की बात करता हूं, टू की, तो पी टू बराबर कितना देगा आपके पास है पी नॉट, ये भी वायुमंडलीय दाब हो गया, और टू से अगर आप थ्री पे जाओगे तो पी थ्री बराबर कितना देगा आपके पास है पी नॉट प्लस रो जी, ये आपके पास एच हो गया। अब यहां पे टू से आप थ्री पे जा रहे हैं, वन से थ्री पे प्रेशर कैलकुलेट किया रोटेशन की वजह से, और टू से थ्री पे प्रेशर निकाला आपने एच की वजह से। अब यहां से P3 को मैं बराबर कर दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा P3 बराबर क्या हो जाएगा P3, तो P3 कितना देगा आपके पास है P0 प्लस क्या देगा आपके पास है रो जी एच बराबर P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे दो। यहां से P0 और P0 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से रो को रो से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास एच बराबर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है 2g, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा भी आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, ये तो पास्कल्स लॉ का है, पास्कल के नियम का है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है भाई, देखो ध्यान से, इधर की तरफ इस प्रकार से सिरिंज टाइप में कुछ है, इधर की तरफ रेडियस कितने 5 सेंटीमीटर, इधर की तरफ रेडियस कितने 3 सेंटीमीटर, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो इधर की तरफ कितना फोर्स जनरेट होगा। अपन लिख सकते हैं यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर बराबर करना आपको, तो P बराबर क्या हो जाएगा F बाई ए, तो F F1 बाई ए, ए वन कितना हो जाएगा आपके पास है पाई आर वन स्क्वायर, F2 अपॉन पाई आर टू स्क्वायर, पाई को अपन काट देंगे तो यहां से आपके पास है F2 बराबर F1 इंटू क्या देगा आपके पास R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, तो यहां से आपके पास F2 बराबर F1 कितना देगा आपके पास है 10, R2 कितना देगा आपके पास है 3 बटे 5 का होल स्क्वायर,
तो 10 इंटू 9 बटे 25, तो ये कितना देगा 2, और ये कितना देगा आपके पास 5, तो 9 इंटू 2 कितना देगा 18, 18 बटे 5, तो इसको अपन बोलेंगे 3.6 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया भाई। तो ये पास्कल्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पर अपने फिर से तीन क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुके हैं। तो देखो बेटा, अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उस पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। अब अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बायोंट फोर्स, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, बायोंट फोर्स होता है क्या, उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखना ऐसे देखो, डेली लाइफ में अपन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा अपन अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि यदि किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव्य में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो इस स्थिति में उस वस्तु के भार में कमी हो जाती है। हवा के अंदर किसी भी वस्तु को उठा के देखो और लिक्विड के अंदर किसी भी वस्तु को उठा के देखो, ठीक है ना। तो अपन ऐसा महसूस करते हैं कि द्रव्य के अंदर उस वस्तु का भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात सुनना भी, भार में कमी क्यों हो सकती है भाई, नीचे की तरफ mg लग रहा है, यानी लिक्विड के अंदर ऑब्वियसली इस पे ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स जनरेट होता है, इस फोर्स को तो अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। और इस घटना को, मतलब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, ऊपर की तरफ लगने वाला ये जो बल है जिसको अपन उत्प्लावन बल बोलते हैं, ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, ये इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, जितने लिक्विड को इसने हटाया है, यानी जितने लिक्विड का स्पेस इसने घेरा है, खुद ने घेरा है, उतना ही तो इसने विस्थापित किया है, तो इस द्रव्य का जो भार है उसके भार के बराबर ही इसके अंदर क्या होता है बच्चों, भार के बराबर ही इस पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगता है, और वही आपके पास में क्या हो जाएगी, भार में कमी हो जाएगी। तो याद रखना, भार में कमी किसके बराबर होती है, उत्प्लावन बल के बराबर होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि यदि किसी भी वस्तु को किसी द्रव्य में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो इस स्थिति में इस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रेक्षित होती है। भार में ये जो कमी है इस वस्तु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल के कारण होती है, इस बल को अपन उत्प्लावन बल बोलते हैं, और उत्प्लावन बल का मान इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है भी, ठीक है ना। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया भी, आर्किमिडीज ने, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखना ऐसे देखो, जैसे मान के इसलिए ये कोई वस्तु है और इसको मैं हवा के अंदर लटकाता हूं, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है, इसका आयतन कितना देगा v, और इस वस्तु का जो घनत्व है वो कितना देगा आपके पास है सिग्मा। अगर इसको मैं हवा के अंदर लटकाता हूं तो इस स्थिति में इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा भाई, mg, नीचे की तरफ तो लग जाएगा इसका वेट फोर्स, और वेट कितना देगा आपके पास mg के बराबर देगा, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन कितना देगा v इंटू सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास में g। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास में, टेंशन लग जाएगा, t लग जाएगा। तो हवा के अंदर अगर अपन इसको मापते हैं तो टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास में, t बराबर mg बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, v सिग्मा इंटू g हो जाएगा, ये आपके पास में टेंशन हो गया। अगले केस में इस वस्तु को अपन किसी भी लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं, और यहाँ पर जो लिक्विड है इसका घनत्व कितना लेके चलते हैं अपन, रो लेके चलते हैं। देखो बेटा, वस्तु का घनत्व हमेशा अपन क्या लेंगे भाई, सिग्मा, हमेशा लेंगे सिग्मा, और द्रव्य का जो घनत्व है वो अपन हमेशा क्या लेंगे, रो लेंगे, क्योंकि बार बार मैं हमेशा ये आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, ठीक है ना, इसी में रह जाएंगे नहीं तो फिर अपन। अब इसके बाद में यही वस्तु है और इसी वस्तु का ना अपन क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य के अंदर डुबोते हैं,
ये अपने किसी भी द्रव्य के अंदर इसको डुबो दिया, ये लिक्विड है, ये अपने इस प्रकार से लिक्विड के अंदर डुबो दिया और लिक्विड है, इस लिक्विड का जो घनत्व है वो कितना रहेगा आपके पास, रो जाएगा भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है क्या भाई, डब्लू, और डब्लू बराबर कितना देगा आपके पास एम जी, बराबर कितना देगा आपके पास वी सिग्मा जी। अब बात सुनना भी, इस पे ऊपर की तरफ क्या लगता है, टेंशन लगता है, अब की बार जो टेंशन है वो कितना हो जाता है, टी डैश हो जाता है, टेंशन कम होकर के कितना हो जाता है, टी डैश हो जाता है। और आर्किमिडीज ने प्रेक्षित किया, आर्किमिडीज ने बताया कि इस पे ऊपर की तरफ एक बल भी लगता है, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल है उसको ही अपन उत्प्लान बल बोलते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लान बल, यानी ये आपके पास हो जाएगा बायोंड फोर्स एफ बी। और उत्प्लान बल किसके बराबर होता है बताओ, मास ऑफ लिक्विड इंटू क्या देगा आपके पास है जी। अब लिक्विड का मास कितना देगा वी, लिक्विड की डेंसिटी कितने देगी आपके पास रो, इंटू क्या देगा आपके पास है जी भाई, इसका वी वी आयतन, इसका वी आयतन इस लिक्विड के अंदर डूब रहा है, तो डूबा हुआ आयतन कितना हो गया वी हो गया, तो इसने कितने आयतन का लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया वी आयतन का, तो हटाए गए द्रव का बार कितना देगा आपके पास v रो इंटू जी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाले बल को बराबर कर देंगे, तो यहां से आपके पास जो टी डैश है, इस टी डैश को अपन क्या बोल सकते हैं, टी डैश बराबर ये देगा आपके पास एम जी माइनस क्या देगा आपके पास ना, तो मतलब एम जी माइनस ये आपके पास है बायोंड फोर्स उत्प्लान बल, या एम जी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी वी सिग्मा जी, और एफ बी को अपन क्या बोलेंगे वी रो इंटू क्या देगा आपके पास में जी हो जाएगा अभी। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि पहले भार कितना था एम जी था, अब भार में कमी कितनी हो जाती है भाई, भार में कमी हो जाती है एफ बी के बराबर हो जाती है, तो यहां पर आपके पास में जो उत्प्लान बल एफ बी है वो किसके बराबर होता है भाई, भार में कमी के बराबर, या इसको अपन बोल सकते हैं एफ बी बराबर वेट इन हवा माइनस वेट इन द्रव, हवा में बार में से अगर लिक्विड में बार को माइनस कर दिया तो इस स्थिति में आपको उत्प्लान बल की प्राप्ति हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप शायद आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो उत्प्लान बल है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है भाई, एक तो वी इन पे डिपेंड करता है, अंदर डूबा हुआ जो आयतन है उस पे डिपेंड करता है, एक ध्यान से देखना देखो द्रव के घनत्व पे डिपेंड करता है, और एक गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है भी, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। अब यहां पर ये है ना, वस्तु का जो घनत्व है उस पे डिपेंड नहीं करता है, और यहां पर ये जो वस्तु की आकृति है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे भी करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, वस्तु के घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु की आकृति पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि मान के चलिएगा आपके पास वी वी आयतन का वॉल्यूम वी है भी, वी आयतन का कोई भी धातु का बना हुआ एक गोला है, और वी आयतन का बना हुआ कोई भी एक घन है, गोले और घन इन दोनों को आपने मान के चलिएगा पानी के अंदर डुबो दिया, तो किस पर उत्प्लान बल ज्यादा लगेगा, दोनों पर जो उत्प्लान बल है वो बराबर लगेगा भी। क्यों दोनों पर उत्प्लान बल बराबर क्यों लगेगा बताइए, सोचो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है भाई, यहाँ पे जो पिंड है उस पिंड की आकृति कैसी है इस बात पर डिपेंड नहीं करता उत्प्लान बल, अंदर डूबा हुआ जो आयतन है वो बराबर है
तो इस स्थिति में जो उत्प्लान बल है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब जी पे डिपेंड करता है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अपन कृत्रिम उपग्रह पर चले जाएं या चंद्रमा पर चले जाएं, तो चंद्रमा पर जीएम बराबर कितना देगा आपके पास है, जी बाई सिक्स, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, इस कारण से उत्प्लान बल एफ बी का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है अभी, ठीक है ना। कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह इस पे ध्यान से देखना, देखो जो जी है उसका मान कितना हो जाता है, जीरो, इस कारण से उत्प्लान बल एफ बी का मान भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है अभी। कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं, कोई भी लिफ्ट है मान के, इसलिए ऊपर की तरफ गति कर रही है ए त्वरण से, इस स्थिति में उस लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस है, यानी जी इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, इस कारण से उत्प्लान बल का मान भी बढ़ जाता है। बात क्लियर है ना। तो देखो ऊपर की ओर त्वरित गति करती लिफ्ट में जी इफेक्टिव बराबर कितना देगा आपके पास है, जी प्लस है, यानी बढ़ जाता है, इस कारण से उत्प्लान बल एफ बी का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अभी, ठीक है ना। तो उत्प्लान बल के बारे में मैंने आपको काफी सारी बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट करवा दी है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपके, इनको अच्छे से करें नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वस्तु का घनत्व वो अपन ने सिग्मा लिया है, और द्रव का जो घनत्व वो अपन क्या लेके चलते हैं, रो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा और रो इन दोनों के तीन कंडीशंस बन सकती है, तो क्या क्या बनती है देखिएगा। देखो मान के इसलिए कहिए आपके पास में कोई भी बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने भरकर लिक्विड, इसके अंदर आपने रख रखी इस प्रकार से ये वस्तु, ये लिक्विड है देखो ध्यान से, ये द्रव है, इस द्रव का घनत्व कितना देगा आपके पास, रो। वस्तु का वॉल्यूम कितना देगा, वी, और इसका घनत्व कितना देगा आपके पास में, सिग्मा। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, एक तो फोर्स लगता है नीचे, नीचे की तरफ तो लगता है बट डब्ल्यू बराबर कितना देगा, एम जी बराबर कितना देगा आपके पास में, वी सिग्मा जी। इस पे ऊपर की तरफ क्या लगता है, अभी उत्प्लान बल बराबर क्या देगा आपके पास, वी रो इंटू क्या देगा आपके पास है, जी। अब इसमें अपन में तीन केस है वो आपको समझाने वाला हूं। फर्स्ट केस, यदि सिग्मा बड़ा है किससे भी, रो से, और यदि सिग्मा वो रो से बड़ा हो गया तो इस स्थिति में जो वेट फोर्स है वो बड़ा हो जाएगा किससे भी, उत्प्लान बल से। तो इस स्थिति में जो नेट फोर्स है एफ नेट, नेट फोर्स बराबर कितना देगा आपके पास में, दो नेट फोर्स भाई नीचे वाला जो बल है वो बड़ा है ना, तो नेट फोर्स कितना बन जाएगा आपके पास में, वी, इसके बाद में ये आपके पास में जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। और इसकी डायरेक्शन है वो किधर किधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ। और नेट फोर्स को अपन क्या लिखना जानते हैं, एम ए लिखना जानते हैं, और वस्तु का एम कितना हो जाएगा आपके पास में, वी सिग्मा एम इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ए। तो यहां से देखो ध्यान से बेटा, आपके पास में ए बराबर क्या बन जाएगा, ए बराबर वी से वी को काट दो, सिग्मा बटे सिग्मा कितना देगा आपके पास, वन माइनस क्या देगा आपके पास, रो बटे क्या देगा आपके पास है, सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है, जी। ए आ गया अभी, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है ना, तो त्वरण भी किधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ।
अब एक्सलरेशन का ये वाला फॉर्मूला आप काम में लेकर के गति की समीकरण भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है यानी अशान है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार की शानता नहीं है, यानी शान बल नहीं लग रहा अभी, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो सेकेंड केस, यदि आपके पास में जो सिग्मा है वो लेस देन क्या देगा, सिग्मा लेस देन क्या देगा आपके पास रो, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूं, इस स्थान में ए है वो नीचे की तरफ है, इस कारण से जो वस्तु है वो नीचे बॉटम तक डूब जाती है, भी पेंदे तक डूब जाती है। लिख भी देता हूं, चलो जगह तो कम है। तो वस्तु पेंदे तक डूब जाती है भी। अगर आपके पास है सिग्मा जी रो से क्या भी छोटा, तो वेट फोर्स है वो भी छोटा हो जाएगा किससे, उत्प्लावन बल से। तो इस स्थिति में वस्तु पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना देगा आपके पास में, वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी, नेट फोर्स बराबर एम ए, तो वी सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास ए, वी से वी को काट दो तो ए बराबर कितना देगा कि आपके पास रो बटे सिग्मा माइनस वन इंटू क्या देगा आपके पास है जी, और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी ऊपर की ओर। यानी वस्तु को अगर अपन डुबो के छोड़ते हैं, आप खुद देख सकते हो यार, प्लास्टिक की कोई भी बॉल है उसको आपने पानी के अंदर डुबो के छोड़ दिया, तो इस स्थिति में ये बॉल है ये अपवर्ड मोशन करती है, ऊपर की तरफ भागती है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से यू भागेगी। बट ये साम्यावस्था कहाँ पर प्राप्त करती है, ये क्या करती है, लिक्विड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती है और वहां पर ये साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। तो साम्यावस्था में वस्तु आंशिक रूप से डूबी रहती है। तो देखना ऐसे, देखो ये बर्तन हो गया, इसके अंदर ये आपने लिक्विड भर है, ओके, और इसके अंदर ये कोई वस्तु है, अब इसका ये जो भाग अंदर डूबा हुआ है, इस अंदर वाले भाग का जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास, वी इन हो जाएगा। तो अब इस वस्तु पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, अभी नीचे की तरफ लगता है वेट, बराबर कितना देगा आपके पास में, वी सिग्मा इंटू जी, ऊपर की तरफ इस पे क्या लगता है, अभी उत्प्लावन बल बायोट फोर्स। अब बात सुना, भी उत्प्लावन बल है वो किसके कारण लगेगा, केवल और केवल डूबे हुए वॉल्यूम के कारण। भाई जितना डूबेगा उतना तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा ना, तो बराबर क्या देगा आपके पास, वी इन इंटू क्या देगा आपके पास में, रो इंटू जी। और साम्यावस्था में अंदर वाला ऊपर वाला और नीचे वाला बल अपन बराबर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो साम्यावस्था में जो एफ बी है वो आपको W के बराबर कर देना है अभी। तो एफ बी कितना देगा आपके पास, वी इन इंटू रो इंटू क्या देगा आपके पास है जी, बराबर वी सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है जी। तो यहाँ पे जी से अपन क्या करेंगे, जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वी इन बटे क्या देगा आपके पास में, वी बराबर ये आपके पास है सिग्मा बटे, तो ये बात होगी भी। अब कुल डूबे हुए सॉरी अंदर वाले आयतन का कुल आयतन के साथ में जो अनुपात है, इसको अपन बोलेंगे डूबा हुआ अंश। ये आपके पास हो जाएगा डूबा हुआ अंश। और ध्यान से देखना, तो ये जो डूबा हुआ अंश है ना,
ये जीपी डिपेंड नहीं कर रहा है, बड़ी बात है भाई। यानी ऐसी बात है कि किसी भी लकड़ी का मान के सिले का, लकड़ी का ब्लॉक है, उसका मान के सिले का विरामावस्था में जैसे कोई भी लिफ्ट है उसके अंदर बर्तन रख रखकर बर्तन में आपने लकड़ी का कोई ब्लॉक डाल दिया, तो इस लकड़ी के ब्लॉक का ना मान के सिले का 80% पार्ट है वो इस पानी के अंदर डूब रहा है। अब यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ त्वरित गति स्टार्ट कर दे तो इस स्थिति में जी इफेक्टिव चेंज होगा, बट जी इफेक्टिव चेंज होने से अंदर की तरफ जो डूबा हुआ वॉल्यूम है या डूबा हुआ जो अंश है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये जी पे डिपेंड नहीं करता है। और इसके बाद में थर्ड, यदि सिग्मा बराबर कितना देगा आपके पास रो, तो इस स्थिति में जो वेट फोर्स है वो उत्प्लावन बल के बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास है जीरो, और त्वरण बराबर भी कितना देगा आपके पास है जीरो। तो वस्तु को जहां पे ले जाके छोड़ोगे ना वस्तु वहीं पे जाके रुक जाएगी, वस्तु न तो नीचे की तरफ गति करती है और नई वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है, जहां पे ले जाओगे ना वहां पे नेट फोर्स जीरो देगा। इस प्रकार के साम्यावस्था को अपन बोलते हैं उदासीन साम्यावस्था। तो अपन बोलेंगे वस्तु उदासीन साम्यावस्था में रहती है, ठीक है बच्चों। तो उत्प्लावन बल के तीन केस मैंने आपको पढ़ाए, इन तीनों को आप अच्छे से नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों इसके बाद में अपन तीन क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद में आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर आपके पास है दो बॉल्स है ए और बी, दोनों का वॉल्यूम वी वी, ए की डेंसिटी कितनी है थ्री रो और बी की डेंसिटी कितनी है भी रो बाई टू, और यहाँ पर जो लिक्विड है इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है मान के इसलिए रो है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी रहेगी आपके पास रो। तो एक तो आपको ए पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और रस्सी में तनाव ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो देखना जैसे देखो सबसे पहले ये आपके पास ए है, इस ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ए पे एक तो नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट फोर्स, तो वेट फोर्स कितना देगा आपके पास में तो वी इंटू इसकी डेंसिटी कितनी देगी आपके पास है थ्री रो इंटू क्या देगा आपके पास है जी। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, ऊपर की तरफ एक तो लग रहा है टेंशन फोर्स यानी तनाव बल टी, और एक ध्यान से देखना देखो ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है अभी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, और ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लावन बल का मान कितना देगा बताओ v इंटू रो इंटू क्या देगा आपके पास में g। इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है अभी, नीचे की तरफ एक तो लग रहा है तनाव t लग रहा है, और एक नीचे की तरफ भी क्या लग रहा है अभी इसका वेट फोर्स लग रहा है, इसका वेट फोर्स कितना देगा बताओ इस b का वेट, ये आपके पास हो जाएगा v रो g बटे दो। ये आपके पास हो जाएगा वी रो जी अपॉन कितना देगा आपके पास है टू, और इस पे ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग जाएगा कितना वी रो इंटू क्या देगा आपके पास जी। अब देखना ना ऐसे देखो इस एक का मैं संतुलन करता हूं, तो इस ए पर ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस क्या देगा आपके पास है टेंशन बराबर, नॉर्मल प्लस टेंशन प्लस प्लस लग रहा है आपके पास में बायोंट फोर्स उत्प्लावन बल वी रो जी बराबर कितना देगा आपके पास है थ्री वी रो इंटू क्या देगा आपके पास है जी। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करते हैं या यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से एन प्लस टी बराबर क्या देगा आपके पास है टू वी रो इंटू जी हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं कि इसकी बी की, ये तो अपन ए का संतुलन कर दिया है और अपन बात करते हैं बी की बात करते हैं, तो बी पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ वी रो जी, नीचे की तरफ एक तो आपके पास में क्या लग रहा है टेंशन, और प्लस क्या लग रहा है आपके पास वी रो जी बटे ये आपके पास दो देगा। या इसको अपन एक काम कर सकते हैं टी प्लस वी रो जी बाई टू, टी प्लस क्या देगा आपके पास में वी रो जी
बटे दो बराबर, ये नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास में, वी रो जी हो देगा। तो यहां से अगर अपन सोल्व करते हैं तो टेंशन कितना हो जाएगा, टी बराबर वी रो जी बटे दो, ये तो आपके पास में टेंशन आ गया अभी। और टेंशन की वैल्यू अगर अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहां से आपके पास में इस समीकरण से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन बराबर कितना हो जाएगा, टू वी रो जी माइनस वी रो जी बाई टू, तो थ्री वी रो जी बाई क्या देगा आपके पास में टू देगा, ये आपके पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा अभी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, देखो आपके पास में गेंद है, इसका घनत्व कितना रो बाई थ्री, लिक्विड का घनत्व कितना रो, इसको पानी की सतह से एच ऊंचाई से गिराते हैं, तो जैसे ही गेंद वो पानी के कॉन्टेक्ट में आएगी कुछ गहराई तक जाएगी और इसके बाद वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, तो ये गेंद अधिकतम किस गहराई तक जाती है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलेगा ये गेंद वो कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है मैक्सिमम, तो ये वाली जो गहराई है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, एच हो जाएगी, स्मॉल एच। तो अब देखो ध्यान से, आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक गति का समीकरण लगा करके इसकी वेलोसिटी निकाल लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गति की समीकरण लगा करके इसकी जो अधिकतम गहराई एच है वो निकाल लो। और आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखना ना से देखो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं अभी, एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है और जैसे लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ऊपर की तरफ बायोन फोर्स लगने लग जाएगा। तो इसका वॉल्यूम मान लो v मान लो, तो सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास में, वी, इसका घनत्व कितना हो जाएगा आपके पास में, तो रो बटे तीन जी, ये इसका वेट फोर्स हो गया। और वेट फोर्स तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता है, एम जी तो पूरी डिस्टेंस में लगता है ना, तो इनटू कितना हो जाएगा आपके पास है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया क्योंकि वेट भी नीचे लग रहा है और विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है। अब जैसे ये जो गेंद है ये इस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, इस पर ऊपर की तरफ बायोन फोर्स लगने लग जाता है, तो ये बायोन फोर्स कितना देगा कि आपके पास में देगा वी, रो कितना देगा आपके पास, रो इंटू कितना देगा आपके पास है जी, ऊपर की तरफ लग रहा है और बायोंट फोर्स है उसमें विस्थापन कितना तय करता है ये एच, विस्थापन नीचे और बायोंट फोर्स ऊपर लगता है, तो कार्य क्या हो जाएगा आपके पास है नेगेटिव। और किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पे इसका वेग कितना है जीरो और यहाँ पर भी रेस्ट आ जाता था, जीरो माइनस जीरो आ गया। इसके बाद माइनस वाले को इधर की तरफ ले जाएंगे, वीरो जी को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा एच प्लस एच, तीन को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है थ्री एच, तो यहाँ से आपके पास है टू एच बराबर कितना हो जाएगा एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एच बटे दो, ये आपका आंसर हो गया अभी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेंद अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगी भी? भाई गेंद है, इसको जैसे आप रिलीज करोगे तो वेट फोर्स इससे बड़ा कौन है भाई, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, तो ये गेंद ऊपर की तरफ त्वरित गति करेगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ वेग अर्जित कर लेगी जिसको गति की तीसरी समीकरण से कैलकुलेट कर सकते हो, फिर यहाँ से गेंद मान के चलेगा इस हाइट तक उछलती है और ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी आपके पास एच, और यहाँ पे इसका वेग कितना जाता है, जीरो जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गति की तीसरी समीकरण लगा करके भी ये अधिकतम ऊंचाई आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाने से आपका काम आसान होने वाला है। तो देखो सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, नीचे की तरफ क्या लग रहा है अभी एम जी, तो एम कितना हो जाएगा आपके पास वी, इसके बाद में रो बटे चार जी, और एम जी तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है पूरी डिस्टेंस पर लगता है, तो कैपिटल एच प्लस क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल एच, माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्यों हो जाएगा क्योंकि विस्थापन इसका ऊपर है और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अपन, इसकी उत्प्लावन बल की बात करते हैं, तो उत्प्लावन बल तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है, केवल लिक्विड में लगता है, तो उत्प्लावन बल कितना देगा आपके पास v रो इंटू क्या देगा आपके पास है g, और विस्थापन कितना देगा आपके पास h, ये प्लस बराबर, यहाँ पे भी विरामावस्था में और यहाँ पर भी विरामावस्था में, तो माइनस का उधर जा करके प्लस का देगा,
तो ये आपके पास H प्लस क्या हो जाएगा, आपके पास H बराबर 4H हो गया। अब इसके बाद H को उधर की तरफ ले जाएंगे तो 3H बराबर कितना हो जाएगा H, यानी H बराबर कितना हो जाएगा आपके पास H बटे 3, ठीक है ना। सॉरी स्मॉल H बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 3H आ गया ना, H ही तो आपको कैलकुलेट करना था, तो 3H आपका आंसर आ चुका है अभी, ठीक है ना। तो ये बातें थी भी। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये आपको समझा दिया है, और इसके बाद में इस पर कुछ मैंने आपको क्वेश्चन है वो भी कवर करवा दिए हैं। तो अगले लेक्चर पर जब आप आओ, अगला लेक्चर जब आप अटेंड करो, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें आप।